सोच समझ कर उस पर एक्शन लेना पड़ता है, वही मंच का संचालन करने। और मेरी तरफ से प्रस्ताव मंच परमिशन ये प्रस्ताव रखने का कि दादा राजीव शर्मा जी को देने का बस 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 जिम्मेवारी होती है। मुझे लगता है कि किसी भी सभा में किसी भी मीटिंग में जान डालने का काम स्टेट सेक्रेटरी करता है। मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा करंट किसी के अंदर नहीं है मत से। आज की मीटिंग को जिस तरीके से हमने जाना जा रहे थे शुरू तो उस तरीके से नहीं, पर अंत में कई साथियों के बहुत अच्छे सुझाव दिए। और सुझाव का यही उद्देश्य यही लक्ष्य है कि हम सब अपनी इस लोकसभा को पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे ले जाने का काम, क्योंकि आज हमने इजाजत दी थी मंच पर बैठे हुए तमाम साथियों से, पर इनके भी मेरे को साथ के साथ बैठे बैठे इनपुट आते रहे। जैसे पिछला लोकसभा का जब नतीजा आया तो हम लगभग 4,94,000 के आसपास वोट निकले। आज हम कहां खड़े हैं, उन परिस्थितियों में कितने नए साथी हमारे साथ जुड़े, कितने ऐसे साथी हैं जो आज लोकतंत्र में रहे, कितने ऐसे साथी हैं जो इस दौरान हमें छोड़कर चले। सबसे जरूरी चीज अगले 52 दिनों की है तो इसका आकलन करना, इस पे हम कैसे नए साथियों को जोड़ पाए इसके ऊपर कार्य करना है, एक बूथ 10 युद्ध को कैसे खड़ा करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़कर सदस्य बनाना है। पर बुजुर्ग युवा साथी उससे ज्यादा जरूरी है कि लगभग 337 के आसपास हिसार मिले के गांव, और जब हम 300 गांव की बात करते हैं साढ़े 300 गांव की, तो सबसे जरूरी जो देखने की चीज है कि हर गांव हमें पहले कागज लेकर आज से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ऐसे लोग आज हमारी पार्टी से जुड़े तो गांव की हवा बदलेगी, रुख बदलेगी, उसकी लिस्ट बना। जिस दिन हमें यह पता चल गया कि हमारा टारगेट के 5 लोग, और इन 5 लोगों को हमें किसी भी हालात में अपने साथ जोड़ना है, मैं मानता हूं 15 दिन के अंदर हम अपने गांव को सुधारने का काम, अपने बूथ को सुधारने का काम करें। और दूसरी चीज है हमारे से जो छोड़कर गए, यह तो आज दिल हमारे साथ रखे बैठे, दल लोकदल में रखे बैठे, उनको हम कैसे अपनी तरफ लेकर आए इस पर मेहनत कर रहे। धन्यवाद इलेक्शन कमीशन का कहता हूं कि 11 तारीख का चुनाव होने हमें तो 11 तारीख से 1 महीना एक दिन फालतू मिले, और जो 31 दिन मिले ये 31 दिन हमें समय मिल गया कि हम जाकर एक एक व्यक्ति तक जाकर एक एक बोर्ड को अपने साथ लेकर आता। आज हमारे बीच में सचिन साहब, देवी राय जी, तमाम लोग आज हमारे साथ जुड़े। ये सिलसिला हमें और बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि हर गांव का सरपंच आपके साथ आएगा 6 महीने सरकार को जवाब दे, अगर सरपंच नहीं आ सकता तो शायद सरपंची में जो दूसरे नंबर पे रहा व्यक्ति उसको आज राज्य में संख्या में फायदा।
पूर्व सरपंच को लड़ने में फायदा और जिम्मेदार को लड़ने में फायदा। बुजुर्गों युवा साथी, जो काम करने की जरूरत है उसको यही कि हम एक व्यक्ति से आज सरपंच साथ उसको जोड़े और उसके मन को कहीं ना कहीं अपनी तरफ मोड़ने का काम। जहां सुझाव आया श्रीमती नैना गुप्ता जी के दूध प्रोग्राम, उसके लिए मैं राजेंद्र रिकाणी जी और शीला बहन जी को रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आपके माध्यम से, जरूरी जो बात से हमको छुट्टी मिल जाए तो हम प्रोग्राम बना। मेरे दोनों बधाई के पात्र है कि 35 वर्षों के बाद एक बार हमने करवाया हल्के से करी मात्र 1200-1500 के बीच में उठते आए और आपको ठीक है सब सत्यनारायण जी कहा गए प्रधान जी। प्रधान जी जब मैंने कहा चुनरी जो पार करने का उठते किया काटा गए और वो 1200 को आज इनने 12000 के आंकड़े को पार करा लिया। मुझे लगता है अगली सरकार के अंदर एक परिवर्तन की जो सबसे बड़ी चिंगारी होगी वो हमारी महिला शक्ति देने का काम है। पर जरूर अप्रैल के महीने में हम कोशिश करेंगे एक एक दो दो दिन के प्रोग्राम प्रत्येक हफ्ते के हम करवाए। उसके साथ साथ एक सुझाव आया महावीर जी का चप्पल की चप्पल पहन के घूमे आज तो 6 दिन है। मैं तो देख रहा था कुछ चप्पल पड़े आ जाना जैसे भी छिपाई हुई चप्पल है। मैं कोई आज जूते पहन के आया तो चप्पल आए मैं 500 मगर इस पर हमने काम शुरू कर दिया। सरकारी की जरूरत पड़ी जब मेरे पास मोबाइल पे चिट्ठी आई ना तो 20 मिनट तक तो मेरे को भी अप्लाई करते वक्त नहीं लगा था। अप्लाई करते वक्त तो हम बैठे थे राजेंद्र जी के मेरे चप्पल गए तो राजेंद्र जी कहने लगे कि तो जी प्लान के खड़ा हुआ हमने नहीं किया चप्पल। जब अप्लाई कर दी और किस्मत देखो 9वें नंबर पे थी। पहली थी चाबी, दूसरी सीटी, तीसरी चारपाई, चौथी सिलाई मशीन, ऐसे करते लिस्ट में 9वें नंबर पे थे। मैं ये कह रहा था जैसे पार्टी के नाम पे जननायक लगना था वैसे चुनाव के दिन भी खड़े हुए आने मेरे घर से यहाँ बैठा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जन्म निकालना आज पे बात करे तो पूछ लेना। अगर मुकेश अंबानी इस देश का सबसे अमीर आदमी है तो भी सुबह चप्पल पहनता है और जो भी में सोने वाला गरीब आदमी है वो भी चप्पल पहनता। कोई पुरुष, कोई किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी पैदा होते ही बच्चे के पाँव में चल जाते और बूढ़े हर चीज से तो बुजुर्ग युवा साथी इसमें सम्माना नहीं और मैं क्या कह देता हूँ तो बुजुर्ग युवा साथी आज चुनाव चिन्ह की बात है। हमें तो गर्व है जैसे अभी भाई पवन जी कहाँ गए पवन जी अनिल पवन जी है पवन अनिल कहाँ पवन मोती भाई खड़े खड़े हमारे मोती साथी थे मेरे को इतनी बड़ी चप्पल आ गई 3 फुट की थी और मैं कैसे जोड़ा क्या है ये तो मैं बरवाड़ा दूंगा। तो बुजुर्ग युवा साथियों जहां आपके साथ एक ऐसा वर्ग जिसको आप सोच भी सकते थे चुनाव चिन्ह से जुड़े और मेरे ख्याल से हर गांव में मिलेगा हर शहर में मिलेगा हर वार्ड में मिलेगा हर मोहल्ले में मिलेगा। आज तो जोड़ने का समय है और कोई बुरा बोले जैसे कल मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का हार था कई चपलू चपली हो गए। हम तो
हम साथ गाड़ी में बैठे थपड़म थपड़ी जरूर तो साथियों आज तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के चप्पे चप्पे पर अब चप्पल को पहुंचाने का काम है, जिसे एक एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े और हमारी सोच के साथ चप्पल चलने का प्रतीक और हमेशा कभी भी आप देख लेना तो उल्टी चप्पल पहनता रहे सीधी पहन के आगे ही बढ़े तो आप ये सोच लो हमने तो वो चप्पल ले गए चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर उसके खड़गों को आदर्श मानते इस प्रदेश को आगे लेने का रास्ता बनने का काम सुभाष जी ने यही पोस्ट वाली गोड़वा मेरे को छोड़ दो पूरे प्रदेश का कई होती है पर उससे का मैंने बता दिया मैं बना दूंगा अभी तो शहर बाईस है मगर नेक नियत के साथ अगर कोई काम करना चाहता है विश्वास के साथ कोई बदलाव लाना चाहता है बहुत से ऐसे साथी हैं जो यहाँ बैठे जो शायद आज यहाँ 10-11 बजे आके गद्दे लगाने में और भी मदद कर रहे मगर उन्हें कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को संगठन में कोई जिम्मेवारी है उन्हें तो एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ने का काम किया कि प्रदेश में परिवर्तन लेकर आए प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेकर जाना चौधरी देवीलाल का प्रदेश में राज बनाना है और प्रदेश सिंह चौटाला जी का जो करा हुआ संघर्ष उसको हमें आगे बढ़ाना है और उसके लिए इस पार्टी का जन्म हुआ और मैंने देखा है जो जो साथी नायक जनता पार्टी के जन्म के दौरान एक्टिवेटेड थे आज भी निष्ठा से काम कर रहे मगर कुछ ऐसे साथी तो समय लगेगा हम भी प्रयास कर रहे हैं एक 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 करके जिम्मेवारी दे और अब मुझे एक दिन मैं आप सबसे पूछता हूँ जैसे अपना मिर्जपुर वाला राजपाल क्या वो 50 सचिव पद के लिए मेरे ख्याल से कोई इकलौता ऐसा आदमी है जिसने हरियाणा के 22 के 22 जिले 90-90 विधानसभा के अंदर दीवार में चौधरी देवीलाल की फोटो एक-एक साथी को ऐसे को ढूंढे उनको जिम्मेवारी दे धीरे 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 करके आपका संगठन खड़ा हो मगर उसके लिए आप सबके सहयोग की जरूरत एक बार मैंने बूथ वाली शुरू करी उसके अंदर एक चीज आपने शुरू कर दी पिछले चुनाव से इस चुनाव के बीच में हमसे कितने साथी दूर इसकी एक स्थिति बन या जो साथी हमारे साथ एक्टिवली काम कर रहे थे आज घर बैठे हैं उसकी एक स्थिति बन और सूची बना के उसके आगे काम शुरू करो ये अपने लक्ष्य लेके चलना और मैं कोई एक वैसे नाम दे दूंगा तो उस नाम ईश्वर कह दे तो शमशेर बात है उसकी लिस्ट जरूर बनाओ कई ऐसे साथी हैं जो पहले भी रिश्तेदारियों से हमारे साथ जुड़े थे पॉलिटिकल पार्टी से उनकी एक्टिवनेस नहीं थी आज उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है इन बावन दिनों के अंदर कि हम उनको काम कर और इसके लिए हल्का अध्यक्ष की जिम्मेवार है पर मैं निवेदन करूंगा हल्का अध्यक्षों से कि आप हम साथ साथ माप का अपने जोन बना जैसे हमारे पहले इतिहास में रहे हैं चाहे वो सम्मान दिवस के दौरान रहे हो चाहे उससे पहले कोई मीटिंग जब से प्रोग्राम हुए तब रहे जैसे हमने उजाड़ा हल्के को 12 जोनों में डिवाइड किया 8-8 गांव का एक एक जोन और उसके बाद मंडी का एक जोन और 12 जोनों को 2-2 जोनों के हिसाब से एक सीनियर साथी के और उसका एक फायदा जब एक सीनियर साथी जिम्मेवारी के साथ बैठते तो उसके बाद वहां किसी को बुलाना है क्या गतिविधि ला रही है कैसे संभालना है उसकी मॉनिटरिंग आसान है एक मैं निवेदन
कि इस चुनाव में मेरा भरोसा आप पे, और उस भरोसे के प्रति मैं नहीं चाहता कि दूसरे जिलों के अपर आप तक प्रभारी आप पे। अगर नियत से काम करेगा तो हल्के में बैठा वर्कर ज्यादा काम, अगर प्रभारी बैठा देंगे तो वर्कर पे प्रभारी की आदमी जरूर मार सकते काम में। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप लोग अपनी जिम्मेवारी समझ आज से जोन पे काम करके इस लिस्ट के ऊपर वर्किंग करें। ज्यादा से ज्यादा कोई होगा तो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इंचार्ज से बात करके बैठे, जो स्वर्थी आपके बीच में पहले भी रहा, जैसे अमित चंद चावला जी यहाँ से रहे, प्रोफेसर जगदीश से यहाँ भी रहे, इस प्रकार से ऑफिस इंचार्ज को जरूर बाहर में आए। मरीज चुनाव को लड़ने का काम आपने दो प्रस्ताव और